पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से सड़क से लेकर बाजार तक सब कुछ तालाबों में तब्दील हो गया है। यहाँ तक कि बारिश का पानी पिरान कलियर दरगाह में भी घुस गया है, जिससे हकीकत मंदों में रोष है। उनका कहना है कि आसपास के क्षेत्रों की सफाई ना करवाने की वजह से ऐसा हुआ। पीरान कलियर दरगाह में भी पानी घुस गया है। दरगाह के अंदर पानी घुसने से अकीदत मंदों में रोष है। उनका कहना है कि दरगाह प्रशासन समय से दरगाह क्षेत्र की नाली नालियों की सफाई ना कराने के कारण ऐसा हो रहा है। उनका कहना है कि हर साल बरसात में दरगाह परिसर में पानी भरने के बाद भी दरगाह प्रबंधन पानी को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं कर पाया है। करम साबिर पाक के करम से आज खाने शरीफ में पानी अंदर नहीं पहुंचा, सिर्फ गुलाम गर्दिश तक पानी पहुंचा है। गुलाम गर्दिश में पानी पहुंचा, उसके बाद वहां पर मिट्टी के कट्टे लगा दिए गए हैं। अंदर पानी जो है आस्थाने में चलने से रोक दिया गया है। और ये मैनेजमेंट जो है वो लापरवाह इस कदर है कि अब तक यहाँ पर वक्त की तरफ से कोई सुपरवाइजर, दरगाह मैनेजर या कोई भी इंतजामिया ऐसा नहीं है। गांव में सरपंच के अवैध रूप से मंदिरों पर कब्जा करने को लेकर पूर्व सरपंच के नेतृत्व में मंदिर समिति ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मंदिर समिति का कहना है कि सरपंच मंदिर की जमीन पर मंगल भवन का निर्माण कर रहा है। भवन बनने से पहले ही सरपंच के लोग कई प्रकार की पार्टियां करते हैं, जिससे मंदिरों की आस्था को ठेस पहुंचती है।